पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वावधान में 18 से 20 जुलाई तक सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर में राउंड रॉबिन लीग आधार पर खेली जा रही 13वीं अखिल भारतीय रेलवे महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के तीसरे एवं अंतिम दिन पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ने दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद को एक तरफा 24-8 से हराकर चैंपियनशिप जीत ली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने विजेता एवं उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान किया तथा सभी खिलाड़ियों को मेडल, नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने विजेता एवं उप विजेता टीमों को बधाई देते हुए कहा कि प्रतियोगिता के दौरान सभी टीमों ने खेल भावना का परिचय देते हुए उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। इससे स्थानीय प्रतिभावान खिलाड़ियों को काफी कुछ सीखने को मिला। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर एवं दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद के बीच खेले गए मैच में दक्षिण मध्य रेलवे मात्र 8 अंक प्राप्त कर सके, जिसके मुकाबले पूर्वोत्तर रेलवे ने 24 अंक प्राप्त कर विजय हासिल किया। पूर्वोत्तर रेलवे की खिलाड़ी पवित्र ने 10, सुषमा ने 6, सृष्टि ने 6, अनुमिता ने 3, ज्योति ने 1 तथा बबीता ने 1 गोल किए। पूर्वोत्तर रेलवे की एकतरफा जीत में गोलकीपर नीना शील ने शानदार प्रदर्शन कर विजय में अपना अहम योगदान दिया। दक्षिण मध्य रेलवे की खिलाड़ी सोनम, रम्या, माधवी तथा संध्या ने अच्छा प्रदर्शन किया। उपाध्यक्ष नरसा एस के मिश्रा ने स्वागत संबोधन किया तथा संजय यादव, संयुक्त महामंत्री नरसा ने समारोह का संचालन किया। फुरकान अहमद, हैंडबॉल कोच ने पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। टीम मैनेजर अनूप देव खेल के दौरान विजेता टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बनाए रखा तथा श्री नसीमुर रहमान ने शानदार कमेंट्री की। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली के रेलवे स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर जसबीर सिंह, प्रमुख विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ रेल अधिकारी, कर्मचारी एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे।